कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? अगर आप घोटाला कुछ है ही नहीं तो निकाले क्या? तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फ़ोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फ़ोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फ़ोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इम्पाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इम्पाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं, जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने डेढ़ महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फ़ोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा, का मोस्टली फ़ोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फ़ोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फ़ोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फ़ोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फ़ोन जिंदा हैं, ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठा, झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे, गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का, कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे, 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव, अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया, 50% रेवेन्यू। दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे इन्होंने। तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। 70 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुँचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है।